भारतीय किसान यूनियन ने इस्माइलाबाद थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन में हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन द्वारा हरियाणा विमुख हुमंतु जाति विकास बोर्ड के नवनियुक्त वाइस चेयरमैन जयसिंह पाल का इस्माइलाबाद में घेराव किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था, जिसके आधार पर इस्माइलाबाद पुलिस ने 5 किसानों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया। उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने आज थाने का घेराव किया। वहीं प्रदेश सरकार और इस्माइलाबाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता जसवीर सिंह मामू माजरा ने कहा कि वाइस चेयरमैन का 17 अप्रैल को इस्माइलाबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव किए जाने के चलते इस्माइलाबाद पुलिस ने 5 किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करके 3 किसानों को हिरासत में लेकर 2 किसानों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश अनुसार 2 किसानों को जेल भेज दिया था, जिसमें से तीसरे व्यक्ति का अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वह कहां पर है। जसवीर मामू माजरा ने कहा कि जब तक हमारे तीसरे आदमी का पता नहीं चल जाता, तब तक किसानों का इस्माइलाबाद थाने के सामने धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बार बार एक ही बात कहकर हमें टालने की कोशिश कर रही है कि आपके तीसरे आदमी को छोड़ दिया गया है, लेकिन वह अभी तक ना घर पहुंचा ना हमारे बीच आया है। हमें शक है कि पुलिस ने अभी तक हमारे तीसरे आदमी को हिरासत में ही रखा हुआ है, जबकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह जयसिंह पाल के घेराव के समय मौजूद नहीं था। जसवीर मामू माजरा ने कहा कि जिन 5 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें से एक किसान के भाई को जबरदस्ती उठा लिया गया है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। पता चला है कि परसों किसानों ने यहाँ एक चेयरमैन का घेराव किया था और चेयरमैन के घेराव करने के बाद किसानों का अवैध रूप से पर्चा 5 आदमी को बाई नेम पर्चा दे दिया गया, जबकि वो किसान यूनियन के सदस्य थे और किसानों ने घेराव किया था और प्रशासन ने किसानों के प्रेशर को देखते हुए केवल 5 आदमियों को के नाम बिना किसानी में डाले हुए पर्चा दर्ज किया है और आज सुबह 3 आदमियों को उठा लिया गया है और 3 में से 2 नामजद आदमियों को जेल भेज दिया है और 1 आदमी जिसको प्रशासन ने उठाया था उसका FIR में नाम नहीं था, उसको प्रशासन कहता है कि हमने छोड़ दिया, लेकिन वो आदमी आज अभी तक हमारे बीच में नहीं पहुंचा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया कि अगर आपने नजायज आदमी उठाया तो उसे तुरंत प्रभाव से वापस करें और उसके बाद अगली बातचीत जारी करेंगे। जो तीसरा व्यक्ति गायब है गया, तो उसका नाम क्या जी? उसका नाम है उसके भाई का नाम है सुखा सिंह। सुखा सिंह का नाम था, सुखा सिंह के बजाय उसके भाई हरजिंदर सिंह को शायद के परविंदर सिंह को उठा लिया है, वरिंदर सिंह को उठा लिया है। तो ये आपका घेराव कब तक जारी रहेगा? खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।